देश के सबसे बड़े घोटाले में आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने आरोपियों को किया बरी। देश का सबसे बड़ा घोटाला माने जा रहे 2G स्पेक्ट्रम केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोपियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहे हैं। वन लाइन डिसीजन वाज देयर कि प्रोसिक्यूशन मिजरेबली फेल टू प्रूव देयर केस सो ऑल एक्यूज आर एक्विटेड। बिल्कुल बरी कर दिए गए। फैसला सुनाने वाले जज OP सैनी ने कहा कि अभियोजन पक्ष दो पक्षों के बीच पैसे के लेन देन को साबित करने में नाकाम रहा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुनवाई 6 साल पहले 2011 में शुरू हुई थी, जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला UPA 2 के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसने उस समय कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी थी। दरअसल 2010 में CAG की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए एक विशेष अदालत बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद आज आए इस फैसले में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है।